जैसा एक पेड़ है जिसमें फ्लावरिंग हुई है इस वक्त और बहुत ही दिलकश आकर्षक ये इस वक्त हुआ है बसंत के मौसम में। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस पेड़ पे तीन तीन पत्ते हैं, जिस तरह से हमें पलाश ढाक में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो तीन पत्ते हैं वो चौरस ना हो करके ये थोड़े से लंबे दिख रहे हैं। और तीन तीन पत्ते होना और उसमें जो मटर जैसे छोटे छोटे जामुनी, हल्के जामुनी रंग के जो फूल हैं जिनके ऊपर इस वक्त मधुमक्खियों का तांता लगा हुआ है, शहद के लिए जो परागन चुनना है या इसका मकरंद चुनना है उसके पीछे ये लगी हुई है, क्योंकि यही 15 दिन तक इसकी फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट को कहा गया टीनिशा, संस्कृत का पुराना नाम है, संस्कृत में इसको कहा टीनिशा और उसी से इसका हिंदी का जो नाम है वो है संदन, और संदन से ही डोगरी का जो नामकरण हुआ बिगड़ते बिगड़ते सन्नन। तो जम्मू में कठुआ में हमारे एक पहाड़ी इलाके में सन्नन घाट एक जगह भी है जो सन्नन के नाम से उस जगह का नाम है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सबसे पुराना एक पैलेस महल प्राचीन काल का उज्जैन नगरी में है। और वहाँ के पैलेस में जो लकड़ी लगी मुख्यतः, जैसे आज जम्मू कश्मीर में हम देखें तो पुराने महलों में देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी या कहीं कहीं पे और साल की लकड़ी हुई होगी, और अमलतास की भी, जैसे श्रीलंका में कुछ महल पुराने हैं वहाँ पे अमलतास की लकड़ी लगी हुई है, लेकिन जो उज्जैन का महल है उसमें इस पेड़ की जो है लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और इसीलिए इसको जब बाइनोमियल साइंटिफिक नाम देना था तो इसको उज्जैन के नाम से इस स्पीशीज का नाम दिया गया। पहले तो इसको शीशम जैसा ही समझा गया और शीशम की जाति में रख करके इसका नाम दिया गया डेलबर्जिया उज्जैनेंस, लेकिन बाद में देखा जो डेलबर्जिया जो है, शीशम जो है, टाली जो है उसे काफ़ी भिन्न है, तो इसको एक अपनी ही जो एक जीनस है, जाति है, उसमें डाल दिया और उसका नाम भी उज्जैन नगरी से ही डाला गया और इसका नाम हुआ उज्जैनिया उज्जैनेंस। लेकिन बाद में जो हमारा एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप है और उसमें मॉलिक्यूलर स्टडीज और गहराई से जब की, उन्होंने देखा जो शाल परनी है जो एक आयुर्वेद का दशमूल घटक भी है, डेस्मोडियम गैंजेटिकम, बिल्कुल ये उसी जाति में आना चाहिए, जाति भेद को इतना अलग नहीं है कि इसको एक अलग जाति में हम रखें, चाहे वो कोई भी हो, बेटर है कि हम इसको डेस्मोडियम में, जिसको हम शाल परनी नाम से जानते हैं, उसी जाति में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो प्रेजेंट जो है इसका नाम डेस्मोडियम के अंतर्गत आता है, डेस्मोडियम उज्जैनेंस, लेकिन उज्जैन नगरी, उज्जैन का वो पुराना प्राचीन संदर्भ जबकि इसकी लकड़ी इस्तेमाल हुई, इसलिए वो स्पीशीज में अभी भी नाम जो है शामिल है, लेकिन जाति इसकी शाल परनी मतलब डेस्मोडियम में डाल करके, तो इसका कॉमन इंग्लिश नेम इसीलिए उज्जैन डेस्मोडियम है। तो डेस्मोडियम हमारी पहाड़ियों, पहाड़ों में, जंगलों में बहुत ही कॉमन एक नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब्स भी हैं और ट्रीज भी हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री जिसको हम सन्नन नाम से जानते हैं, या संदन हिंदी में, या टीनिशा, या उज्जैन डेस्मोडियम, या इसका डेस्मोडियम उज्जैनेंस जिसका पहला सनानी था उज्जैनिया उज्जैनेंस, ये एपियरी के लिए, हनी बीज के लिए, शहद की मक्खियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। फिर हमारे गाँव में जो किसान भाई हैं वो अपने इसको प्लांट को फाडर के तौर पे इसको लापिंग भी इसकी करते हैं, जिस तरह से पलाश की भी की जाती है लापिंग, और उसका पत्ता भी चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये डेस्मोडियम या सन्नन, इसको भी चारे के रूप में इस्तेमाल किया, इसकी लकड़ी जो है विशेष करके बहुत ही धार्मिक मानी जाती है और कई किस्म के एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो ये एक नहर है, नहर के किनारे लगी हुई है ये सन्नन संदन, लेकिन जंगलों में अगर हम देखें तो इसकी जो टिपिकल हैबिटेट है वो सैंडी स्टोन्स होंगे, ग्रेबल, और जहाँ कांग्लोमरेट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, डडल जिसे डोगरी में हम कहते हैं डडल, तो कगारों पर और बड़ी ही प्रेसिपिटस स्लोप्स, ऐसी जगहों में बहुत ही दुर्लभ, उसमें इसको हाथ लगाना या इसके पास पहुँच पाना, ऐसे जगहों में इसका जो है नेचुरल इसकी ग्रोथ होती है। तो ये जम्मू के शिवालिक का एक इतना खूबसूरत फ्लावरिंग में ये इतना खूबसूरत शानदार लग रहा है, दूसरा धार्मिक उज्जैन के साथ इसकी श्रद्धा, और उसके साथ साथ जो शाल परनी जो एक दशमूल घटक है उसी
जाति में इसको आजकल रखा जाता है। तो ये पेड़ जो है हम इसको देख सकते हैं, तीन तीन पत्तियां और बिल्कुल ही तितली के समान या मटर के फूल के समान, जिसका ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये तितली की तरह ही इसका पंखुड़ियों का जो है रंग रूप होगा। और इसमें भीनी भीनी गंध भी है, सुगंध भी है और मकरंद भी है। और उसी के चलते मधुमक्खियों ने काफ़ी ज़्यादा तांता जो है सुबह से लेकर के शाम तक, और ये क्रम जो है इसी तरह से आने वाले एक हफ्ता भर चलता रहेगा, उसके बाद इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी और ये परागण जो है इसी से वो फिर फल बनेगा और फल पकेगा तो फिर बीज होगा। और ये ऐसा पेड़ है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, क्यों आज हम मना रहे हैं विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कमेमोरेट करता है आज के दिन 3 मार्च 1973 में जो साइटिस की जो कन्वेंशन थी वो साइन हुई थी, जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फाना एंड फ्लोरा। तो वो दिन जब हम आज मना रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने सन्नन को, तेनिश को, उज्जैन डेस्मोडियम को हम शामिल करें अपने वृक्षारोपण में, प्लांटेशंस में। अभी से फॉरेस्ट विभाग को, वन विभाग को अपनी नर्सरियों में इसके सीड, अभी तो ये फ्लावरिंग है, फिर इसकी जब फ्रूटिंग सीडिंग होती है या इसको आप कटिंग से भी रेज कर सकते हैं, अपनी नर्सरीज में इसको जरूर शामिल करिए। कुछ पौधे इसके जो है नर्सरी में पैदा करके आने वाले मानसून में, इस बार तो तैयार नहीं होंगे, अगले साल के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि हमारे जितने भी पौधारोपण होता है जम्मू के शिवालिक्स में, बहुत कम, रादर मैं कहूँगा कि नील इसका हमने पौधा नहीं लगाया कहीं पे, तो जंगल में ही ये दिखता है और हमने कभी लगाने की इसकी इतनी मेहनत नहीं की। तो मुझे लगता है आज के दिन आओ हम प्रण करें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन हम ऐसे पेड़ों को जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, जिनके साथ संस्कृति जुड़ी हुई है, जिनके साथ बायोडाइवर्सिटी का दारोमदार है, जैसे शहद की मक्खियाँ हैं, इसी तरह से बाकी कीट पतंगे भी आते हैं, तो उनको ये सपोर्ट देता है। और शहद जो है हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसका मेडिसिनल इस्तेमाल भी है और उसके साथ साथ जैव विविधता को एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है नसीब जी, ये वाला पौधा आपके हम कॉलेज के परिसर से ही क्यों ना शुरू करें, तो आप यूँ ही, ये बरसात का मौसम आता है जुलाई अगस्त में, तो मुझे लगता है इस पेड़ को जरूर याद रखें, सन्नन, संदन, तेनिशा, उज्जैन डेस्मोडियम, डेस्मोडियम उजेनेंस जिसको पहले कहते थे, ओजीनिया उजेनेंस, इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पौधे जो हैं रोपित करवाएं और बच्चों को ऐसे पेड़ों से रूबरू कराएं जो पेड़ जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, तो ये एक लग्यूम होने के नाते उस तरह से अपनी हमारे जो डिग्रेडेड पुअर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन की एनरिचमेंट भी की ये प्लान करेगा। और ये फाडर भी बहुत बढ़िया है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ जुड़ी हुई संस्कृति को अगर हमने जानना है तो इस पौधे को हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने हर्बल गार्डन में या बोटानिकल गार्डन में या बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो ये ऐसा ही संदेश मेरा जो है वन विभाग के ऑफिसरों के लिए भी है, और जो खास करके वो कर्मचारी जिनका आज पासिंग आउट परेड भी था और उन्होंने आज डिग्रियां हासिल की हैं, जो उनकी ट्रेनिंग रही, तो हो सके तो इस पौधे को आज से आगे जितने भी पौधारोपण हों उसमें आप तेनिश, सन्नन, संदन को भी जरूर शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें।